अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस टॉप मोस्ट हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत नाजुक थी, बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी किस्मत बहुत बदसूरत थी। वो कहती थी कि मुझे कभी अपनों ने मारा तो कभी गैरों ने मारा, कभी हालात ने मारा तो कभी किस्मत ने मारा, लेकिन मुझ पे सबसे ज़्यादा जुल्म ढाया था कुदरत ने, और वो थी मधुबाला। अब दिल है न दिल के अरमां है, अब दिल है न दिल के अरमां है, बस मैं हूँ मेरी तन्हाई। मधुबाला बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। उनकी जिंदगी तो बहुत छोटी थी, लेकिन कहानी बहुत लंबी है। मधुबाला को सबसे ज़्यादा शिकायत थी कुदरत से, और इसकी वजह ये थी कि जब वो पैदा हुई तो पैदाइशी तौर पे उनके दिल में एक छेद था और जिसका कोई इलाज नहीं था। बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन बड़े होने के बाद एक दिन शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हो गई, खांसी आई, और खांसी के बाद उन्होंने खून की उल्टी कर दी। तब जाके सबको पता चला कि मधुबाला को बचपन से ही दिल की एक बहुत खतरनाक बीमारी है और जिसका कोई इलाज नहीं। ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है। मधुबाला का जन्म हुआ था 14 फरवरी को, यानी वैलेंटाइन डे पे, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो ज़िंदगी भर सच्ची मोहब्बत को तरसती रहीं। बस ज़रा सी राहत मिली उस वक्त जब ज़रा सा प्रेम मिला प्रेमनाथ का। चौदह फरवरी 1933 में पैदा हुई थी मधुबाला दिल्ली में, और उनका ताल्लुक था काबुल के एक नवाब खानदान से, लेकिन उनके दादा और परदादा अफगानिस्तान के रहने वाले थे। वहाँ से वो हिंदुस्तान आ गए और फिर यहीं बस गए। मधुबाला का पूरा और असली नाम था मुमताज़ जहाँ बेगम। उनके वालिद का नाम था अताउल्ला खान, माँ का नाम था आयशा बेगम, और माशाल्लाह उनके 11 बच्चे थे और मधुबाला 5वें नंबर की थी। ख़ानदान बहुत बड़ा था और आमदनी बहुत कम, इसलिए अताउल्ला खान अपने पूरे परिवार को लेकर दिल्ली से मुंबई आ गए काम की तलाश में। लेकिन अफसोस कि काफ़ी अरसे तक उन्हें कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो छोटी सी मधुबाला की उंगली पकड़कर
अलग अलग स्टूडियोज़ में चक्कर काटने लगे, इस उम्मीद पे कि शायद मेरी बेटी को बहसिया चाइल्ड आर्टिस्ट किसी फिल्म में काम मिल जाए। और हुआ भी यही। 1942 में मधुबाला को बहसिया चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म मिल गई और उस फिल्म का नाम था बसंत। फिल्म बसंत के बाद भी मधुबाला ने कई फिल्मों में काम किया बहसियत चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मुमताज़ के नाम से। वो कमाती रहीं और घर की जिम्मेदारियां पूरी करती रहीं। उन्हें इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहा कि रोज़ी रोटी के चक्कर में उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मधुबाला ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था बहसियत चाइल्ड आर्टिस्ट, लेकिन बड़े होने के बाद बहसियत हीरोइन सबसे पहले ब्रेक दिया था उनको मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और गीतकार केदार शर्मा ने 1947 में, और उस फिल्म का नाम था नीलकमल और मधुबाला के साथ हीरो थे राज कपूर। मैं कल एक बड़ा ही सुहाना सपना देखा। यमुना के किनारे एक किनारे पर मैं खड़ा था, दूसरे किनारे गंगा, बड़ा गंगा जमुनी पसंद होगा। हाँ, एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर मोर मोर। दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मधुबाला को मधुबाला नाम दिया था अपने वक्त की बहुत मशहूर टॉप मोस्ट हीरोइन देविका रानी ने। नीलकमल के बाद मधुबाला ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन असली शोहरत मिली 1949 में जब उनकी मशहूर और सुपरहिट फिल्म आई महल। उस फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो थे अशोक कुमार और डायरेक्टर थे कमाल अमरोही। में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर डी कश्यप की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था आराम और उस फिल्म में देवानंद हीरो थे और मधुबाला हीरोइन, और उस फिल्म में इन दोनों के साथ मेरा बहुत अच्छा रोल था। अरे बेबी, ये है बेबी, कॉफी हाउस के मालिक रामनाथ की लड़की। और आप मेरी सहेली, तुम जो शरारतें करने लगी, मैंने एक और सहेली बना ली। मधुबाला ने अपने दौर के सब बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज के साथ काम किया। उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि सबसे ज़्यादा फिल्में की उन्होंने दिलीप कुमार के साथ। वो कहती थी कि दिलीप साहब की सबसे बड़ी खूबी और ख़ासियत ये थी कि जब वो मेरे साथ किसी फिल्म की शूटिंग में रोमांटिक सीन करते थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी आँखों से छलकता हुआ प्यार मुझे नज़र आता था और उनके दिल की धड़कन ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया था कि वो मुझसे फिल्मी नहीं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। क्या कहा फिर से कहो। माँ जी सो गई, अब मैं जाऊं। ये हाथ हटा लो यहां से। हाथ ही तो रखा था, कौन सी गोली मार दी थी जो भिना रहे होते तो? बापू ने कहा है ना, मेहमानों से मीठा बोलो। मधुबाला कहती थी कि बहुत खुशनसीब होती हैं वो लड़कियां जिनकी पसंद को उनके माँ बाप भी पसंद कर लेते हैं, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था क्योंकि एक तरफ थे मेरे अब्बा और दूसरी तरफ था मेरा प्यार।
दिलीप साहब, दोनों की अना ने यानी ईगो ने हमें मिलने नहीं दिया। वो तो चले गए दिल, याद से उनकी प्यार कर, जीने में क्या मजा रहा, मौत का इंतजार कर। मधुबाला कहती थी कि ये तो सभी जानते हैं कि हर इंसान एक दफे इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है और फिर मर जाता है। लेकिन मैं तो बार बार मरती रही, जीते जी मरती रही, हर कदम पे मरती रही। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि दिलीप कुमार को सब लोग ट्रेजिडी किंग कहते थे, लेकिन मधुबाला कहती थी कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन आ गया, क्योंकि जब तक वो मेरी ज़िंदगी में रहे, जब तक मैं उनके साथ रही, मेरी ज़िंदगी में सिवाय ट्रेजिडी के कुछ नहीं था। फिर मेरी ज़िंदगी में कॉमेडी किंग आ गए, किशोर कुमार, और उनके साथ भी मैंने कई फिल्मों में काम किया। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण का कहना है कि मेरी मधु आपा दिलीप कुमार से बहुत नाराज थी, और इसकी वजह यह है कि वो दोनों बी आर चोपड़ा की एक फिल्म में काम कर रहे थे और उस फिल्म का नाम था नया दौर। किसी वजह से मेरी आपा के और बी आर चोपड़ा के बीच अनबन हो गई और चोपड़ा साहब ने मेरी बहन पे अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, और दिलीप कुमार ने मेरी बहन मधुबाला का साथ देने की बजाय बिहार चोपड़ा का साथ दिया। इसलिए मधु आपा दिलीप कुमार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और ज़िद में आके उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। मधुबाला की ज़िंदगी के दोनों दौर बहुत तकलीफ़ दे थे, बचपन भी और जवानी भी। जवानी में जिससे मोहब्बत की उससे शादी नहीं हो सकी, और जिससे शादी की उससे वो मोहब्बत नहीं कर सकी। हालांकि किशोर कुमार उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनका इलाज करवाने के लिए लंदन भी ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि इनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बरस जिएंगी। और ये सुनने के बाद किशोर कुमार अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके मधुबाला के पास आए और कहा, डॉक्टर ने सब कुछ समझा दिया है मुझे, बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम, चलो अब इंडिया वापस चलते हैं। वो दोनों इंडिया वापस आ गए। मधुबाला की ज़िंदगी एक फूल की तरह थी जो खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर। वो फूल की तरह खिली, सबको उन्होंने खुशबू दी, ताजगी दी, और फिर खुद मुरझा गई। 23 फरवरी 1969 वो भयानक दिन था जब मधुबाला ये दुनिया छोड़ के चली गई सिर्फ 36 साल की उम्र में। लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी दोस्तों, उनके चाहने वाले उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे।